हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ चटपटी सी इस धनिए की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम विदाउट पुदीने के बनाकर तैयार करेंगे। और ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है, और जितनी भी धनिए में मोटी वाली डंडी होंगी इसको हम अलग निकाल देंगे, और इस तरीके की डंडी इसमें चल जाएंगी, बट थोड़ी सी जो इसमें मोटी वाली डंडी है उसको आप अलग निकाल दें। और सारे धनिए को हम इसको साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद इसको हम साफ़ पानी से धो लेंगे। और इस धनिए को 5 से 6 बार आपको साफ़ पानी से धोना होगा, क्योंकि धनिए में काफ़ी ज़्यादा कई बार मिट्टी होती है। तो इसको हम साफ़ पानी से धो लेंगे और इसमें मोटी मोटी डंडियों को हम अलग निकाल देंगे। और धनिए को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, और एक छोटी सी हम इसमें मूली ऐड करेंगे, और 5 से 6 इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। तो धनिए को मैंने 5 से 6 बार साफ़ पानी से धो लिया है। इसको हम अलग प्लेट में रख लेंगे। तो हम इस सबसे पहले टमाटर को काट लेंगे। तो इसको सिंपल हमें काट लेंगे इसको, और हरी मिर्च और अदरक को भी हम काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे पीसीज में इसको सिंपल तरीके से कट कर लिया है। टमाटर को काटने के बाद हम इसमें मूली को भी कट कर देंगे, और मूली को भी मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। छोटे छोटे बारीक बारीक इसके टुकड़े कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा मूली आपको इसमें नहीं ऐड करनी है, छोटी सी ही मूली इसमें ऐड करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की मूली इसमें ऐड कर देंगे तो जो हमारी चटनी है वो उसमें कड़वाहट पन आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। तो इसलिए छोटी सी मूली का अगर आप टुकड़ा इसमें यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हरी मिर्च को और अदरक को भी काट लिया है, और सिंपल इस तरीके से मैं इसको धनिए को भी काट लूँगी। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं, बट मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। और एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, जिससे चटपटी सी चटनी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें काला नमक भी ज़रूर ऐड करना, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें हींग भी ऐड कर दिया है, और मसाले के साथ इसको हम धनिए को इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से टमाटर और इसमें मूली को भी ऐड कर देंगे, जिससे इसको पीसना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में अपना ही पानी होता है मूली में, तो इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, सिंपल मिक्सी का जार चलाते हुए इसको हम पीस लेंगे। तो मैंने चटनी में लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का यूज़ किया है। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा इसमें मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चटपटी सी चटनी बना रही हूँ, क्योंकि ये स्नैक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और खाने के साथ तो इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो सिंपल तरीके से सभी को हम पीस लेंगे, इस चटनी को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसको भी हम पीस लेंगे। थोड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम पीस लेंगे। सारी चटनी को हमने पीस लिया है, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, मिक्सी के जार में जो चटनी लगी हुई थी उसमें से थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसको भी इसमें मिक्स करके डाल दिया है। सारी चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देख सकते हैं बिना पुदीने के भी आप धनिए की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं, क्योंकि हर मौसम में पुदीना अवेलेबल नहीं होता है, नहीं मिलता है मार्केट में। तो सिंपल आप धनिए से भी चटनी को बना सकते हैं। बहुत ही चटपटी सी ये चटनी बनकर तैयार हुई है, और खाने के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बनाना आपने देखा इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।